साथियों गौरव सेवा लगातार गौरव हासिल ये 18वां वर्ष जिसके आप सभी लोग भागीदार हैं, आप सभी लोगों के समर्थन और सहयोग से गौरव सेवा कबूल को ये कार्यक्रम को लगातार यहाँ पे आयोजित करते जा रही है। आप सभी गौरव के जितने भी मातृशक्ति पितृशक्ति और हमारे बुद्धिजीवी नव साहित्यकार संस्कृति करने बाबा भगवान जितने भी लोग हैं जिस गौरव की विचारधारा को पूरे देश और पूरे से फैलाने का काम कर रहे हैं उन सभी का इस मंच के माध्यम से गौरव सेवा न्यास समूह को हार्दिक जी से वंदन अभिनंदन करते हैं। साथियों आज का जो कार्यक्रम था इस कार्यक्रम का द्वितीय सत्र प्रारंभ हो चुका है जिसके आप सभी लोग गवाह हैं। साथियों ये अमूल गौर और पावन धारा बेल विस्तार हुआ था। मैंने इस ट्रस्ट के माध्यम से हमने कल बहुत सारे नौजवान साथियों को एक सवाल दिया था कि आप लोग अमर कंटक के इतिहास को बताओ करके, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 300 फार्मों में एक भी फार्म में किसी भी नव युवा शक्ति ने अमर कंटक के इतिहास के बारे में नहीं बताया। ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े दुख की बात है, लेकिन मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो ये तृतीय सत्र गोलवाला गोंडी भाषा धर्म और साहित्य सम्मेलन का सत्र शुरू होने वाला है, इस कार्यक्रम में जो भी वक्ता आए जो भी विचार आए उनकी विचारों को आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से उनके विचारों को सुनिएगा। ये जो दुनिया है ये मौजूदा दुनिया जो है ये दुनिया हम गोलवाला के लोगों को क्या सोचती है हमारे बारे में, हमारा जीवन दर्शन क्या है और गोलवाला का इतिहास क्या है, गोलवाला की संस्कृति क्या है, वो अभी स्थिति सत्र के माध्यम से आप लोगों को सुनने को मिलेगा। साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा धूप का चश्मा होता है ये गहरे काले रंग का होता है और जो काले रंग का चश्मा होता है वो चश्मा सिर्फ धूप में ही काम आता है, गहन अंधकार में उस चश्मे कि कोई गहन अंधकार में उस चश्मे का कोई भी काम नहीं है। ठीक उसी तरीके से हम जनों के हम कोरोना के जो कंडीशन है इन कंडीशन को फिर कंडीशन अपने साहित्य की दृष्टि से देखते हैं और हम कहते हैं यहाँ गोरखपुर के लोगों का कोई साहित्य नहीं है कोई संस्कृति नहीं है, इन सभी चीजों को चैलेंज करने के लिए ही कोरोना सेवा समूह को लोगों के पास भी हमारी खुद की आंख है और इस खुद की आंख से हम देखने का क्षमता रखते हैं और अपने खुद की आंख से हम देखते हैं। जो वैदिक साहित्य है वैदिक युग है की संस्कृति रही है इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं, साथियों बताने का काम करते हैं। इसलिए मैं जितने भी आज के इस तृतीय सत्र के कार्यक्रम में आए हुए नौजवान साथी हैं मातृशक्ति पितृशक्ति है इस कार्यक्रम में जो विचारक लोग आएंगे वक्ता लोग आएंगे उनकी विचारों को बड़े ध्यान से सुनिएगा 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 अभी आप लोग गोलवाला का जो वैभवशाली इतिहास रहा उस इतिहास के बारे में जान सकोगे। साथियों आज हम देखते हैं इसी मध्य प्रदेश के अंदर इस यमुना नदी की जो संस्कृति है इस संस्कृति को मिटाने का भाषा प्रयास किया जा रहा है, गोलवाला की संस्कृति को मिटाने का भाषा प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम लोग इस अमूल गौरव के पावन धरती पे
में कौन हो रहा है विचारधारा रहेगी उस विचारधारा को दुनिया की कोई बाधा नहीं बिठा सकती है। साथियों बातें बहुत ज्यादा है, मैं आज के इस कार्यक्रम के द्वितीय सत्र करूंगा इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग ठंड के इस मौसम में ठंड के इस कड़ाके मौसम में इतने दूर दराज से इस हनुमान पावन धरा पर जहां नर्मदा शक्ति का उद्गम होता है वहां पर शक्ति का उद्गम होता है, सल्ले गंगा शक्ति का उद्गम होता है, पुण्य पुण्य शक्ति का उद्गम होता है। ऐसे हनुमान में वहां पर महाभू को करने के लिए आए हैं तो आप लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे और शांति व्यवस्था का पत्र देते हुए दुनिया को ये बताएंगे कि गोंडवाना के लोग सबसे ज्यादा अनुशासित लोग हैं, इस समाज के लोग अनुशासित है, इसीलिए इस धरती में 1700 वर्षों तक राज किए, जिनके राजमार्ग में सोने पर सोने के सिक्के चला करते थे, चोर नहीं चोर सकते नहीं हुआ करते थे, बहुत सी नदियां बहुत बहा बहुत सी नदियां बहा पाती थी। ये इसी समाज गोंडवाना के राजाओं के राजकाल में हुआ था और आज इस समुद्र पर अपने पावन धारा पे राजा कांसा मावी और मानावती की पवित्र नदी ने और मैं गोंडवाना की धरती इस पूरे संपूर्ण गोंडवाना के प्रथम राजा आंधी आवेन के योग और आंधी सुगम पेरी की पावन धारा पे आप सभी लोगों को फिर एक बार जन्मदिन अभिनंदन करता हूँ। साथियों आज के हिंदी सबसे के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं गोरा सेवानाथ अमीर को की उपाध्यक्षा बहुत सभी तिरुनाय थंगुर बेटे जी का नाम प्रस्तावित करता हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम के प्रति सत्र की अध्यक्षता स्वीकार कर गोरवाना के इतिहास को गोरवाना की संस्कृति को गोरवाना का जीवन दर्शन को गोरवाना के विचार दर्शन को बिताने का किस तरीके से कुछ प्रयास किया जा रहा था ऐसे किसम परिस्थिति में गोरवाना की धरती ने हीरा मोती नमक दो रत्न गोरवाना को दिया जिनके अथक परिश्रम जिनके अथक मेहनत जिनके निरंतर चिंतनशीलता के चलते गोरवाना का ये कारवां आज जो निकला है साथियों ऐसे महान हीरा और मोती जी के चरणों का इस मंच के माध्यम से और गोरवाना सेवानिवास ट्रस्ट अपूर्व की तरफ से इनका सादर सादर नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं सम्मानीय दादा बीएल कुराम जी संकल्प किया लिखा ऐसे दादा बीएल कुराम जी आज से हमारे शहर करते मुख्य अतिथि हैं। सम्मान के लिए आप लोग दो बार तालियों के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम के लिए